तब के लिए बोला जब ब्रह्मा जीवित थे, अम्मा की बात बच्चे माने या न माने, चलेगा कि नहीं? अम्मा की गोद के बच्चे हैं, बहुत प्यार मिलता है गोद का, अम्मा तो जोर जबरदस्ती नहीं करेगी। और बाप क्या करता है? बाप क्या करता है? अरे त्रिमूर्ति में कैसा बैठा है, बाबा फिर वो बच्चे मर जाएंगे, उसका पार्ट क्या है? उसका पार्ट नहीं मालूम है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण की स्थापना, ब्राह्मण की उत्पत्ति, विष्णु द्वारा जो पक्के सच्चे ब्राह्मण बने हैं, ऐसे ब्राह्मण हंस बाबूले इकट्ठे रहने वाले है, ये हंस ही हंस, हंस ही हंस, उनकी पालना। अब जो बगुले हैं क्या, या एक घंटे सुन लेते ब्राह्मणों के संग में बैठ जाते और फिर बाहर जाकर के संग विकारियों का लेते हैं 23 घंटे, या निर्विकारियों का संग लेते हैं, तो उनके वाइब्रेशन कैसे बनेंगे, कैसे वाइब्रेशन बनेंगे? विकारी वाइब्रेशन बनेंगे या निर्विकारी बनेंगे? हैं? तो वो 9 पुरियों में से कोई पुरी के ब्राह्मण बनेंगे या 52 नंबर पुरी के ब्राह्मण बनेंगे? तो अभी कैसे ब्राह्मण बैठे हुए हैं? है? सब 52 नंबर ही मालूम पड़ेगा। कम से कम अपने को बोल दो कि हम तो 52 नंबर पूरी के ब्राह्मण हैं, दूसरों को हम नहीं जानते हैं। ठेका ले लिए साहब, कौन सी पूरी के हैं? है साहब 52 नंबर के ब्राह्मण हैं। ब्रह्मा के द्वारा कितनी बार सृष्टि रची गई और कितनी बार बिगाड़ी गई? 4 बार नहीं बिगाड़ी गई, 3 बार रची गई और 3 बार बिगाड़ी गई। शूटिंग कहाँ होती है? पहली शूटिंग कब हुई? जो स्थापना के साथ था, विनाश की भी ज्वाला प्रज्वलित कुंड से हुई थी, स्थापनाकारी भी थे और विनाशकारी भी थे। छत्तीस में शुरुआत हुई और वो ब्राह्मणों के संगठन का विनाश कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध को दुनिया में कब हुआ था? है जहाँ हीरो समा खेल खलास हुआ 42 के बाद 45 तक ब्राह्मणों की दुनिया भी नष्ट हो गई, वो संगठन खलास हो गया, फिर नया संगठन सन 47 और वो संगठन 76 तक भी चला। घोषणा कर दी 76 के लिए पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना होगी। वो पुराने ब्राह्मणों के संगठन का विनाश हो रहा है या नहीं हो रहा है? हुआ ही समझो। और नए ब्राह्मणों की स्थापना हुई है, लेकिन यहाँ भी वो है जड़ें आधारभूत और ये है बीज, एक ही धर्म के बीज हैं या सब धर्मों के बीज हैं? सब धर्मों के बीज हैं। 80-90% हैं जो और धर्मों के बीज हैं। उनको बड़े संकल्प पैदा होते, पूछ पूछ की पूछ खलास ही नहीं होती। बाबा ने अव्यक्तवाणी में बोला है ये रावण के सिर हैं। राम क्या करता था? एक सिर काटता था, फट से दूसरा सिर आ जाता।
जितने काटते जाओ उतने से पैदा होते जाओ। तो बताया कि दूसरी बार मुरली में ही इशारा दे दिया ब्राह्मण आत्माओं को जो देवता बनने वाले हैं, सत्युग के 16 कला संपूर्ण पहले जन्म में उनको इशारा दे दिया। क्या ब्राह्मणों का दूसरे संगठन का विनाश कब होगा? है वैष्णव देवी आई, अरे लक्ष्मी बोला तुम ब्राह्मणों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष, तो 40 वर्ष पूरे होंगे तो कितने तुम ब्राह्मण निकलेंगे? 8 वो पक्के सूर्यवंशी निकलेंगे या इस्लाम बोधी क्रिश्चियन वंशी भी निकलेंगे। जो पहली राजधानी स्थापन होगी नई दुनिया की 100% परिपक्व होनी चाहिए या कुछ परसेंटेज में कमी होनी चाहिए? एक मत होना चाहिए, एक भाषा के होना चाहिए, एक धारणा धर्म के होना चाहिए, एक राज्य एक राजा वाले होना चाहिए या अनेकता वाले होना चाहिए? तो कितने निकलेंगे? 8 लिखे और बाकी सब 12 की अनेक मतें हुई या नहीं हुई है? जरूर होगी। एक एक भाषा बोलेगा दूसरा दूसरी भाषा बोलेगी। आपस में लड़ने वाले जरूर होंगे। लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं? लड़ने वाले पांडव होते हैं पक्के, पांडा बाप के बच्चे होते हैं या यादव कौर होते हैं? तो ज्यादातर क्या हुए? ऐसे खराब खराब मत बोलो। हाँ ये जरूर है, पहले राजाएं प्रत्यक्ष होते हैं, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं और बाद में उनकी प्रजा प्रत्यक्ष होती है। तो 8 निकलेंगे तो फिर जल्दी जल्दी उनकी प्रजा निकलेगी या नहीं निकलेगी? है वो प्रजा वर्ग के थोड़े होंगे या ज्यादा होंगे? है थोड़े होंगे, प्रजा भी लिमिटेड होगी, राजधानी भी लिमिटेड है, छोटी राजधानी होगी, लेकिन वो प्रजा और राजा सब मिलकर के पूरे ब्राह्मण नौपुरी के जितने भी हैं उनमें परसेंटेज कितना होगा? बस 10-15 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, बहुत में बहुत करके 20% समझ लो अंतर, तो बाकी 80% पे क्या हुए? संघदोष अनुदोष में आने वाले होंगे या नहीं होंगे? हैं? वो नहीं छोड़ेंगे संघदोष अनुदोष को, वो नष्ट हुआ है नहीं बनेंगे, काय से नष्ट हुआ नहीं बनेंगे, अपन देह से हमें खिचड़ी नहीं चलेगी, खिचड़ी खा के कैसे मिलता है? पहला देह का वो, तो दूसरा देह के संबंधियों का वो, मेरा लल्ला मेरी बहू इतनी प्यारी आई है, मेरे बच्चे नाती पोते, उनका मुख ज्यादा याद आता है अभी याद में या शिव बाबा ज्यादा याद आता है? वो संघदोष में आने वाले ये अपने दिल से पूछे कौन ज्यादा याद आता है? ये तो उनकी राजधानी बननी जरूरी है,
बननी चाहिए है? बनाएंगे? सपोर्ट करने वाले कौन से धर्म में जाएंगे? उनको सपोर्ट करने वाले कौन से धर्म में जाएंगे? विपरीत धर्म में जाएंगे या स्वधर्म पक्के पक्के सत्य सनातन धर्म में आएंगे, सूर्यवंशी में आएंगे? क्योंकि सपोर्ट उनको किए थे और अपने संबंधियों को सब सपोर्ट करते हैं, किसको सपोर्ट करेंगे? अपनी जाति को सपोर्ट करते हैं कि नहीं दुनिया में है? तो यहाँ भी क्या करेंगे है? जो हमारे सूर्यवंशी को लेके होंगे वो किसको सपोर्ट करेंगे? सूर्य को, सूर्यवंशियों को सपोर्ट करेंगे। और वंश वाले होंगे तो वो और वंश वालों को सपोर्ट करेंगे। हाँ, क्या पूछना चाहते हैं? नया डायरेक्शन अब आया है, पहले से मुरली में नहीं आता है? पहले से बुद्धि में नहीं था, मुरली में नहीं था, बुद्धि में नहीं था, जो धर्मियों की बुद्धि में नहीं था या जो पक्के ब्राह्मण होते हैं उनकी बुद्धि में नहीं था। जो पक्के ब्राह्मण होते हैं वो जब से ज्ञान में आते हैं तब से संग दोष और अन्न दोष से बच करके रहते हैं। जो आप होंगे वो तो जब से जन्म लिया ज्ञान में, एडवांस में, खास करके तब से ही देह के संबंधों, देह के पदार्थों से, अपनी देह से भी नष्ट हुआ होंगे। उनकी हिस्ट्री देखो जीवन की, फाउंडेशन ही उनका ऐसा होगा। और फाउंडेशन अच्छा ऊपर की मिले, 84 जन्म की बिल्डिंग कैसे बनेगी? संग दोष अन्य दोष में आने से बनेगी? बिल्कुल नहीं बन सकती। अर्जुन बाबा वो चाहे तो क्या मधुबन में रह सकते हैं? कौन ऐसे लोग जो मतलब ऐसे भी है, आते हैं फिर भाग जाते हैं चादर के साथ। ऐसे बहुत है क्या? आते तो हैं, चलो आराम से रहेंगे क्या? न कोई धंधे की दिक्कत, न कोई मेहनत करनी पड़े, कंपल्सरी भी नहीं, करो करो न कर, रोटी कपड़ा और मकान तो मिल ही जा रहे, बाप के बच्चे बन गए, बहुत बढ़िया बात। लेकिन फिर वहां वो बंदरों की सेना के बीच क्या होता है? उसे एक को पहचानो, परमहंस रामकृष्ण परमहंस को पहचानो, और बोलो उसके संगी साथियों को पहचानो, और एक कोई नहीं पहचाना होगा, वो पकड़ में नहीं आता, वो गुप्त रहता है। और ये तो है, बंदरों में बड़ा बंदर है, बाबा ने तो यही बोला, बड़ा बंदर कभी पकड़ में नहीं आता है। बता तो दिया 2004-05 की अव्यक्तवाणी, नहीं तो बता दिया, बाप ने तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी है, उस नई दुनिया में आना जाना करते हो, करते हो हा? अरे जैसे पतंगा होते हैं, कितने तरह की पतंगे बताए? तीन तरह की पतंगे बताए। एक तो वो पतंगे गए और स्वाहा, क्या चिंता ही नहीं, टांग जल गई कि हाथ जल गया कि आंख जल गई कि नाक जल गई, जल गई तो जल गया है, कोई चिंता नहीं। दूसरे वो होते हैं गए और मूछ जल गई और मेरे खा गए, फिर हिम्मत करते क्या पूछते, बाबा हम आ सकते हैं कि नहीं? अरे बाबा क्यों मना करें, आ जाओ ट्राई करो। फिर आते, फिर पहले तो मूछ जली थी, उसमें तो खून नहीं होता,
अब की बात टांगी जो गए फिर भागे, फिर अगली बार आए हाथ जल गया तो फिर भागे, तो वो होते चक्कर काट रहा है। क्या कहा? कैसे चक्कर काट रहा? और तीसरे एक बार आए और थोड़ा सा कहीं सेक लग गया और भागे तो भाग ही गए, आए नहीं। अरे भगवान, हम तो समझते थे भगवान आया हुआ है तो भगवान के घर में बड़ा आनंद से रहो, यहाँ तो भगवान के घर में भी बंदर बैठे इतने विकारी, इतने क्रोधी, इतने कामी, इतने लोभी, अरे भगवान इन बंदरों के बीच में हमारा गुजारा बाकी तो भाग। अब बताओ अब क्या करें? सर पकड़े नहीं दे सकते, बंदरों के साथ कैसे रहेंगे? बंदरों के साथ कैसे पहचानना है? उनमें हनुमान बंदर के दर, अरे हनुमान बंदर कहीं होगा ही नहीं है, नहीं होगा, होगा कौन हनुमान? अरे इतना तो समझ गए कौन हनुमान, बाप हनुमान है, बाप को पूछ रही है, पूछ वो पूछता रहता है, बाबा मुरली ये बात तो ऐसे आई तो ये बात कैसे हमारी समझ में नहीं आई, ये तो विरोधी बात हो गई, वो पूछता रहता है, वो पूछता है, परम ब्रह्म पूछता है कि उसके सारे समाधान मुरली से हो जाते हैं, उसको तो पूछा ही नहीं, वो हनुमान कौन है जिसको पूछे? बड़े से बड़ा हनुमान वो है, तो अभी तक वही हनुमान नहीं पक्का पता चला कि वो मुकर्र रूप कहाँ है, मुकर्र रूप में जो हनुमान है वो राम वाली आत्मा कहाँ है जिसका दास हनुमान बन जाता है, सदाकाल का दास बन जाता है, जब वो पहचान भी नहीं आया तो जो दरबार दिखाया जाता है राम का दरबार चित्रों में घर घर में टंगा हुआ होगा, वो हनुमान ही नहीं पे समझ में नहीं आता है तो हनुमान जिसकी सेवा करता है उसका परिवार कैसे समझ में आ जाए? आ जाएगा बाबा, बाबा नीचे नीचे, बाबा क्या हो बोलो, इधर इधर बाबा नीचे 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 बाबा, नीचे बाबा ने बोला है अन्न दोष लगता है, अन्न दोष लगता है, खाना बना के खाना है, खाना बना के खाना है, कभी बीमार हो गए नहीं, कभी बीमार हो गए नहीं बना सकते तो क्या करना? तुम्हारा बाप आया हुआ नहीं कैसे आएंगे? तुम्हारा बताओ खबर तो भेज दो कि हम रोज रेगुलर क्लास करते थे, हम बाबा की वाणी के संगत ब्राह्मणों के संगत में बैठ करके रोज सुनते थे, अब हम बीमार हो गए, लोग घर वाले कोई ध्यान में नहीं चलते हैं, हमें कोई लाने वाला नहीं है, अब हम किसके हाथ का खाना खाएं? करके तो देखो, जो रेगुलर स्टूडेंट रोज आने वाले हिंदू है उनकी गारंटी नहीं है, क्रिश्चियन से की या मुसलमानों की, जो सप्ताह में एक बार शुक्र शुक्र आते हैं, शुक्रवार और रविवार रोज आने वाले जो बच्चे हैं क्लास में तो रोज जाते बाबा, हाँ पाठशाला, चिंता किस बात की, गीता पाठशाला में जाते हैं तो गीता पाठशाला वालों से कहो यहाँ भी आते हैं, यहाँ भी आते हैं तो यहाँ वालों से कहो हम बीमार पड़ गए, हम बेड रेस्ट में आ गए, हम हॉस्पिटलाइज हो गए, हॉस्पिटल में क्या करेंगे? क्या हुआ बोलो बोलो, हॉस्पिटलाइज हो गए तो क्या करेंगे? हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे तो क्या करें? हॉस्पिटल में खाना नहीं पहुंचाया जाता, नहीं पहुंचाया जाता, फिर बाबा ने कहा लाचारी हालत में कभी अगर डबल रोटी लेना पड़े दूध लेना पड़े तो मुंह भी दे सकते,
नहीं ले सकते, नहीं ले सकते आधीन होकर चलना जरूरी है, है? पराधीन होना जरूरी है। अरे जरूरी है या स्वाधीन रहना अच्छा है? अगर अपने पास इतना पैसा है तो डबल रोटी मंगाओ, दूध मंगाओ, दान दान के आराम घट्टा बाटा खाओ। बनाने की चिंता नहीं, बॉम्बे में छोटे छोटे मकानों में छोटे छोटे घर है तो वो अलग अलग बनाना हो। बॉम्बे में झोपड़ियां तो है नहीं है ना? और बिल्कुल नहीं, बंबई में बिल्कुल झोपड़िया नहीं, सब महलों में रहते। क्या भी क्या रहता झोपड़िया ना, तो बस छत के ऊपर झोपड़ी डाल दो। चेन्नई की गीता पाठशाला कभी वीडियो में आई, वीसीडी में आई ना, है बड़ी सी झोपड़ी छत पे पड़ी हुई थी, 50-60 लोग आराम से बैठते, उसमें एक कोने में खाना नहीं बना सकते, बना सकते नहीं। अरे जहां चार बाहर चार ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है कि ऐसी नई दुनिया जल्दी आने वाली है। जब प्यास लगे तब कुआ खोल, और बोलो बस बाबा बस। बाबा ने बोला है कि बाबा ने बोला है चलो मेरे मुख से जो भी शब्द सुनेंगे तो स्वर्ग में आ जाएंगे, स्वर्ग में आ जाएंगे। तो अभी मुरली में बात आई कि अनिच्छे में आएंगे तो रावण राज्य में जन्म लेंगे। हाँ बिल्कुल, धर्म पिता जितने भी आ रहे बाप के सामने आ रहे कि नहीं है, तो करेंगे या नहीं करेंगे, एक बार आकर के झुकेंगे या नहीं झुकेंगे, ये अपन ही को पक लगाएंगे, झुकेंगे ना आकर के निश्चय बुद्धि बनेंगे कि भाग जाएंगे, है भाग जाएंगे या निश्चय बुद्धि बनकर के रहेंगे, भाग जाएंगे तो वो द्वापर में आएंगे या सत्यु त्रेता में आएंगे, है? तो फिर स्वर्ग में आए कैसे बोल सकते हैं? दो शब्द भी सुनेंगे वो स्वर्ग में आ जाएंगे। अरे तो फिर वो सोना एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, निश्चय नहीं किया, विश्वास ही नहीं किया, बस सारी दुनिया दौड़ रही है तो हम भी देख के आवे कैसा होता है कि भगवान भगवान इन लोगों ने माना है, भगवान इन लोगों ने जाना है, हमारे हर धर्म के लोग हर देश के लोग दौड़े दौड़े जा रहे हैं, हम भी तो देखे कैसा है भगवान, यानी वो वापस आएंगे बुलाएंगे। अरे हिंदू महासभा का अध्यक्ष आया बाबा के साथ चला गया तो बाबा ने मालूम क्या बोला, ये थोड़ा ही देना लगेगा, वो हिंदू धर्म को मानता है, हिंदू धर्म को जो उठाएंगे धर्म तो आज सनातन देवी देवता धर्म होता है, हिंदू धर्म कब से शुरू हुआ, कौन सी युग से कलयुग शुरू, जो अभी प्रैक्टिकल शूटिंग कर रही है, हम हिंदू हैं, हिंग माने हिंसा, दू माने दूते दूर करने वाले, हम हिंसा को दूर करने वाले हैं और ये एडवांस पार्टी वाले काम विकार की हिंसा को बढ़ाने वाले बंद कर रहे हैं। सर बोल, वो अपने को क्या समझते हैं, अपने को हिंसा बढ़ाने वाले समझते हैं या हिंसा को खत्म करने वाला समझते हैं, वो अपन को हिंसा को खत्म करने वाले समझते हैं, काम विकारी की हिंसा को हम दूर कर रहे हैं, भगाए रहे हैं, खत्म कर रहे हैं और ये एडवांस पार्टी वाले भगाए रहे हैं, वो बढ़ाए रहे हैं हिंसा को बढ़ाए रहे हैं,
तो क्या ऐसा है? है सर, वो जानते ही नहीं है कि भगवान ने गीता ने हिंसक युद्ध कराया था या अहिंसक युद्ध कराया था माया का? कौन सा युद्ध कराया था? और अहिंसक युद्ध जो कराया था वो प्रैक्टिकल में कराया था या सिर्फ छोरी सुना के चला गया? प्रैक्टिकल में अहिंसक युद्ध कराया था। और युद्ध में सबसे बड़ा युद्ध है काम वासना का, काम इंद्रिय का, जो सबसे प्रबल इंद्रिय है, जिसकी याद करके जीवन भर स्त्री पुरुष का जन्म लेती है। जिस इंद्रियों को याद करके पुरुष स्त्री का जन्म ले लेता है, इतनी प्रबल इंद्रिय है। वो युद्ध करना सिखाया। वो सन्यासी क्या युद्ध करेंगे? ये वो जन्म जन्मान करके कौन सी युद्ध के अभ्यासी है? गृहस्थ को छोड़ करके भागने वाले हैं या गृहस्थ में रहने वाले हैं? भागने वाले हैं। सो भाग के खड़े हो गए, सबके साड़ी पहन गए। वो बगोड़े स्वामी साधन करेंगे। बस हो गया प्रश्नोत्तर। आला है, ध्यान से फोटो खींचो। आज मुरली में बताया कि सेवा के लिए जाते हैं है? सेवा के लिए जाते हैं तो टेप रिकॉर्डर में बाबा का सीडी सुना सकते हैं? हाँ, बाबा का चित्र दिखा दो। सीडी का जो जनरल सीडी है वो सुना सकते हैं? अच्छा, एड्रेस बता दो, यहाँ का रहने वाला है, ये जन्मतिथि है और ये काम करता है और इतने साल की उम्र है, सारा बता दो और वो सुन ले और कह सत्य वचन सत्य है, कृपा ध्यान ठीक है और आपके पीछे पीछे चल पड़े। तो क्या गारंटी है उसने आपको पहचाना या बाप को पहचाना? किसको पहचाना? पहले तो ओरली ही संदेश देते हैं बाबा। हाँ, दे दो, ओरली मुख से ही दिया जाएगा। हाँ, लेकिन सीडी फिर सुना ना है? जनरल सीडी सुना सकते हैं? हाँ, सुना हो, लेकिन सुनाने के साथ साथ सुनाने से थोड़ा ही समझ में आ जाता है। सुनने सुनाना वो आखिरी बात है क्या? सुनने सुनाने के अलावा और भी कोई बात है? कोर्स करके बात ही सुनो। अच्छा, कोर्स भी दे दो। फोर्स तो दिया लेकिन फोर्स नहीं आया। दूसरी आत्माओं को संदेश देने का, दूसरी आत्माओं को समझाने का तो कोर्स हुआ। क्या कहेंगे? अरे दुनिया वाले भी इंटरकोर्स करते हैं, रिजल्ट आता है तो इंटरकोर्स सही हुआ, अब जब ना आया तो सही हुआ या गलत हुआ? है फेल हो गया या पास हो गया? फेल हो गया। यहां भी ऐसा ही वो हद का है, बेहद का है और यहां बेहद का। नहीं बोल रहा आ गया ना? अच्छा बात। हाँ, आ जाओ आ जाओ, इधर आगे आगे आ जाओ। हाँ, बाबा ने जो मुरली में टेप रिकॉर्ड की बात बताई है कि टेप रिकॉर्ड की बात बताई, तो कैसे है वो? कुछ बाबा के महाभारत के हैं वो कैप्चर करके उसको सुनाने का या कैसे करके आते हैं? जो सामने वाले को फील लगे उसके लिए बाबा की अंदर ही बताते हम लोग, तो टेप रिकॉर्ड के बाबा की कुछ वाणी का कुछ क्लिप्स 5 मिनट का 2 मिनट उसको सुना के फिर समझाते हैं। जितना समझा हुआ होगा उतना ही समझाएंगे ना। अगर अंदर 10-20 सेकेंड 10-20 मिनट अनिश्चय बुद्धि के संस्कार आते व संकल्प आते रहते होंगे तो वो संकल्प उसके अंदर जाएंगे या नहीं?
वो सत्य का भी सत्य रूपी वीर सत्य रूपी वीर ज्ञान का वो ज्ञान सत्य उसके अंदर जाएगा या नहीं जाएगा, फिर रिजल्ट क्या है आज समझ लेगा और कल कल मर जाएगा। पहले खुद समझे, पहले खुद पक्का पक्का समझे कि जीवन भर के लिए हमने पक्का समझ लिया, मान लिया, जान लिया। अरे दुनिया में मेले मलाखड़े में जाने वाले तो बहुत होते हैं, हम भी गए थे मेले मलाखड़े में। पहला मेला मांगा जो सतो प्रधान था दिल्ली में, रामलीला रामलीला हुआ था, पूरा मेला एक महीने अटेंड किया। क्या नंबर रिजल्ट निकलता है, एक जैसा निकलता है। दिल्ली का घेराव डालने के लिए तो हमने सुना, ये माउंट आबू का घेराव डालने के लिए कौन सी मुरली में सुना, कोई मुरली में सुना है? ये तो नई बात निकल आई, कौन से ब्रह्मा से सुनी? ये तो ब्रह्मा को वहां तैयार निकल पड़ा। वो अच्छी बात है, जो अंतिम जन्म में भी जो ऊंची से ऊंचा धाम है सारी दुनिया का, अभी भी वहां नजदीक रहे पड़े हैं, ऊंचे से ऊंचे भगवंत के धाम के नजदीक रहे पड़े हैं, वो श्रेष्ठ आत्माएं हैं या नहीं है? श्रेष्ठ आत्माएं हैं, भले दुर्गति हो गई, भले बड़े शराबी हैं, शराब पी पी के अपनी प्रॉपर्टी का सत्यानाश कर रहे हैं, सारी प्रॉपर्टी बेच के खा जा रहे हैं, फिर भी अंतिम जन्म में तो गिर गए, लेकिन ज्ञान लें या न ले तो भी जो भी माउंट आबू है उसमें जो भक्ति मार्ग चल रहा है, उसमें जितने भी भील संप्रदाय है और भीलों की वहां जास्ती तादाद है, वो सारे के सारे वीर बाबा को आज भी मानते हैं। किसको मानते हैं? वीर बाबा को। यज्ञ में आज ही ओम मंडली नाम पड़ा था, क्योंकि बाबा जो है वो ओम की ध्वनि उच्चारते थे और उससे ही सभी आत्मा खींची चली आती थी, तो क्या अंत में भी ऐसा ही होगा? अंत में भी वैसा ही होगा? वो आत्माएं शुरुआत में किस करके आई थी, वो ज्ञानी आत्माएं आई थी या भक्त आत्माएं आई थी? ज्ञानी ज्ञानी अपनी आत्मा के स्वरूप को जान गई थी, जान गई थी, कभी ज्ञान था ही तो बात ज्ञान वो बात और थी। और अब क्या बात है? अब ज्ञान का फाउंडेशन है या नहीं है? अभी तो ज्ञान का फाउंडेशन है, तो भी ज्ञान के फाउंडेशन होते हुए भी सारे ब्राह्मण हैं या संपूर्ण ब्राह्मण कहें, क्या कहें, वो ब्राह्मण छोटी अपने छोटी के पुरुषार्थ को, छोटी के पार्ट को जो दुनिया में प्रत्यक्ष होने वाला है, अव्वल नंबर का पार्ट, पहले जन्म का पार्ट पहचान गए, तो अभी भी आगे चले हैं या सिर्फ कचर होती है? औरों औरों की बातों को सुनकर के प्रभावित तो नहीं हो जाते, अपने दिल के अंदर पूछें
कि जो भी संगीत साथी मिटमैट से हैं उनसे बातें करते हुए जैसे मिटमैट आपस में मिलते हैं तो दिल की बातें एक दूसरे को देते हैं लेते हैं तो उनकी बातों से प्रभावित नहीं होते हैं। अगर कुछ प्रभावित होते हैं इससे मतलब है कि ज्ञान विचारी हुआ या नहीं हुआ, अगर एक का ज्ञान सुन लिया और उसके अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता, किसी की बातें अच्छी नहीं लगती, बातें करने में मजा ही नहीं आता, बस बाबा ने ये बोला, बाबा ने ये कहा, बाबा ने सीखे, बाबा वैसे कहते, इस बात का मतलब ये है, उस बात का मतलब ये, वो गहराइयों में लगी रहे बुद्धि, मन चिंतन मंथन में लगी रहे, वो ज्ञान के सागर में बुद्धि लगी रहे, तो कहेंगे स्टेज पार की, मन चिंतन मंथन की स्टेज पर आ गए, सूक्ष्म मंथन की स्टेज पर आ गए, और वो सूक्ष्म स्टेज जो है वो भी किस स्तर की है, दादा नेत्रराज ब्रह्मा की स्तर की है, विष्णु बनने वाली आत्मा की स्तर की है, या तीसरी जो पुरी है शंकरपुरी उस स्तर की है, कौन सी पुरी में रमण करती है बुद्धि, वो अनुभव करना कोई न कोई ज्ञान का पॉइंट उनसे मिस हुआ है, इसलिए अचानक शरीर छोड़ रही है, और अचानक शरीर वही छोड़ते हैं, अकाले मौत उन्हीं की होती है जो ज्यादा पाप करते हैं, चाहे वो दुनिया के मनुष्य आत्मा हो, चाहे वो ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, और चाहे वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। उनको तो देखते हैं ब्रह्मा बाबा के दर्शन ही नहीं, उनकी बुद्धि में ये एक बार ज्ञान मिल चुका कि हमको एडवांस ज्ञान मिला है कि हमको इस शरीर के रहते रहते ही वर्षा लेना है मगर पूरा शरीर छूट गया तो अगला शरीर मिलेगा, उस आत्मा को शरीर जरूर मिलेगा, शरीर जरूर मिलेगा, हाँ सेवा करेंगे, नहीं कर सकते, कर सकते ब्रह्मा बाबा के जैसे है, ब्रह्मा बाबा के जैसे फिर कृष्ण देह धारण करके सेवा करनी पड़ती है, उनको सामने तो एडवांस का नाम निशान भी नहीं था, कुछ समय के बाद सूक्ष्म शरीर धारण करने के बाद थोड़े समय के बाद उनको स्थूल शरीर जरूर मिलेगा, ब्राह्मण मिलेगा, ब्राह्मण बन करके अपने पूर्व जन्म की जो प्रारब्ध ली है निराकार बाप की वो पावर जो है फिर उनके उनके सामने बाबा, शास्त्रों में लिखा है कि हिरण्यकश्यप जो राक्षस था उसके लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया था, क्योंकि उसको वरदान था तो अस्त्र से शस्त्र से भी नहीं मर सकता है, न मनुष्य से न राक्षस से मर सकता है, न दिन में न रात में, ऐसा वरदान था तो उसके लिए भगवान ने नरसिंह अवतार धारण करके उसका वध किया था, तो इसका कैसे पहली कर हिरण्यकश्यप कश्यप का मतलब क्या है, सच्चाई को हिरण्य माने सोने जैसी जो सच्ची सच्ची आत्माएं हैं, भारत सच्चा तो भारत में वास करने वाली त्रेता युग की सतयुगी आत्माएं भी सच्ची सोने जैसी या लोहे जैसी है, मूल रूप में तो सोने जैसी थी ना, तो जो सोने जैसी हिरण्य जैसी, हिरण्य माने सोना,
सोने जैसी हिरण जैसी सच्ची सच्ची आत्माएं हैं, उन आत्माओं को द्वापर युग से अपने कब्जे में लेकर के उनका सत्व पीता था। हिरण्य काश्य, काश्य माने तेज, सत्व सत्व कहो तेज कहो सत्य कहो, जिससे सती बनती है, स्त्री का सत्य कहो पुरुष का सत्य कहो, स्त्री का रज कहो पुरुष का वीर कहो, जो शरीर में सत्व होता है कोई चीज होती है मूल शक्ति, उसको वो पीता था। क्या करता था? पवित्रता की जो पावर थी देवताओं की, उस पावर को वो हिरण्यकश्यप क्या करता था? पी जाता था। जैसे कि नारायण थर्ड नारायण फोर्थ नारायण दूसरे सात नारायण हुए, ये कंपन वाली है ना, कमजोर आत्मा है ना, वो द्वापर युग से दूसरे दूसरे धर्म पिताओं के आधार बनती है, और उनके फॉलोअर्स जो ऊपर से उतरते हैं वो इन देवात्माओं को कन्वर्ट करके ले जाते हैं, अपनी अपनी बातें सुनाकर विचारी ज्ञान सुनाकर, भारतवासियों के भारत के खिलाफ ज्ञान सुनाकर, विचारी ज्ञान सुनेंगे तो विचारी धर्म में कन्वर्ट होंगे या नहीं होंगे? परसेंट कन्वर्ट हो गए, और कन्वर्ट होकर के उन्होंने सोने जैसी सच्ची सच्ची आत्मा की सत्यु की उनके सत्य को किया, उनकी प्योरिटी को किया जन्म जन्मांतर, और पी करके हृदय का शब्द जैसे बन करके बैठ गए। नहीं समझ में आया? तो नरसी अवतार लिया भगवान ने, तो उनको नष्ट करना इसी के बस की बात नहीं होती दुनिया में। क्या जो भी मुख्य मुख्य ब्रह्मा कुमार कुमारी है उनका काम कोई धर्म वालों के पास नहीं है यार, है नहीं है, कोई मनुष्य से मरने वाले नहीं है, ये कथा बनाई गई। क्या कौन मारेगा? ना मनुष्य होगा पूरा, ना जानवर होगा पूरा, पूरा जानवर भी पूरा मनुष्य भी, शेर जैसा मनुष्य नर और सिंह मनुष्य भी होगा और शेर जैसा भी होगा, जंगल का ना संसार रूपी जंगल में ऐसी बाहर मारने वाला ज्ञान की होगा जिसको हिरण्यकश्यप की मुकाबला नहीं कर सकता। ब्रह्मा कुमारी ने सारी दुनिया का मुकाबला करके सारी दुनिया के ऊपर काबिज होकर के बैठ गई ज्ञान की संदरी पर, कोई उनका विरोध नहीं कर पा रहा है, तो कौन विरोध करता है? कौन सा होता है? नर के रूप में ऐसा शेर है जो ऐसी ज्ञान की दहाड़ मारता है जिस दहाड़ का मुकाबला न ब्रह्मा न ब्रह्मा कुमारियां न विष्णु न वैष्णव कुमारियां कोई मुकाबला नहीं कर सकते, कोई सामने नहीं आते। आती तो वो है नरसिंह अवतार, कहते अपने नाखूनों से मारा, नाखूनों से मारा, नख है नाखों के आधार पर सुपन खाना पड़ते, नाखून ही शस्त्र का काम करते थे, दूसरा शस्त्र से रहने की दरकार ही नहीं, खून होता ही नहीं, क्या संकल्प का खून होता ही नहीं, त्रिमूर्ति पर बात चली है। शिव बाबा तो त्रिमूर्ति से अलग
ये कहो ऊपर से ये क्यों कहते हैं त्रिमूर्ति की चित्र से अलग है? तो बाबा दुनिया के हिसाब से भी त्रिमूर्ति नहीं है, मतलब दुनियावी तरीके से जो त्रिमूर्ति है वो भी नहीं है। सर दुनियावी तरीके से जो त्रिमूर्ति है ब्रह्मा को चतुरानंद पंचानंद और शंकर को तीसरा नेत्रधारी और जो आभूषण जो दिखाया जाता है चित्र में वो है नहीं। अरे जब ये बोली सुनाई जा रही थी तब चारों मुख पांचों मुख प्रत्यक्ष हुए थे तो कैसे हुआ? तो बाबा अपना अलौकिक रूप से भी अपना परिवार अपना ज्ञान के रूप से भी, लेकिन मुरली में तो बता दिया जो ब्रह्मा बनता है सो विष्णु बनता है। इसका मतलब जो विष्णु की सहयोगी चार भुजाए आत्माएं हैं वो ब्रह्मा का पाठ बजाने वाली भी होंगी या नहीं होंगी? होंगी बस। तो बाबू विष्णु का चित्र एक्यूरेट है, विष्णु का चित्र एक्यूरेट है और शिव बाबा का चित्र उसमें दिखाया नहीं, तो दो ही चित्र इसमें एक्यूरेट है। अभी तो कह दिया वो मूर्ति भी है और अव्यक्त भी है अमूर्त भी है। तो बाबू वो तो दिखाया नहीं है, वो गुप्त है उसको प्रत्यक्ष करना है ना ऊपर रूप के रूप में अभी प्रत्यक्ष करना है। रूप ही तो है वो अव्यक्त रूप ही तो दिखाया है, साकार रूप है उसको प्रत्यक्ष करना है। साकार भी है और अव्यक्त भी है उस चित्र में नहीं बाबा, जो अभी साकार में है उस रूप को प्रत्यक्ष करना है। वो भी मंत्र में दिखाया जाता है शंकर के रूप में, लेकिन वो संपन्न रूप है बापू। उसके दो ही चित्र एक रेट एक नारायण अपना विष्णु चतुर्भुज अधूरा क्यों दिखाएंगे? चित्र अधूरे के बनते हैं या संपन्न के बनते हैं? इसमें दो अधूरे नहीं बापा, ब्रह्मा और शंकर के, शंकर का चित्र त्रिनेत्र भी नहीं है इसमें। जो ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र बनाया वो एक्यूरेट है इनएक्यूरेट है? इनएक्यूरेट वो तो चेंज होना है, वही चेंज क्यों नहीं किया जा रहा है? अब करें क्या, जो जो जिनमें ताकत होगी प्योरिटी की सो करें, ऐसे थोड़े हैदराबाद हैदराबाद में तीनों चित्र छपा दिए, ये चेहरा वो चेहरा वो चेहरा और ये ब्रह्मा ये विष्णु ये शंकर ये प्रत्यक्ष हो गया, किसी ने मान लिया? पहले अपने अंदर वो प्योरिटी का ध्यान को धारण करो, वो दृष्टि में वो पवित्रता को लाओ विश्व कन्या बताने की, किसी से ईर्ष्या किसी से द्वेष ये दृष्टि कैसी कहेंगे? विश्व कल्याणकारी दृष्टि है। बाबा भी परसों इलेक्शन है, परसों इलेक्शन है तो वोटिंग करने जा सकते हैं? जा सकते हैं या नहीं जा सकते? आप तो लगता है नहीं सुन रहे हो, में तो बाबा ने बोला हुआ है ये प्रजातंत्र राज्य है, एक आइडिया प्रजातंत्र राज्य वोटिंग के आधार पर चलता है या राजा बनाने वाले ने वो राज्य बनाया है? मनुष्यों के द्वारा बनाया हुआ राज्य है, रावण संप्रदाय का राज्य है या राम संप्रदाय का राज्य है? तो सपोर्ट करना जरूरी है, नागरिक भारतीय नागरिक के हिसाब से करना चाहिए। भारतीय नागरिक उनसे पूछो भारत का अर्थ तो बताओ, कपड़े में धंधा ऊंचा रहे हमारा झंडा ऊंचा रहेगा विश्व विजय 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 विश्व तिरंगा क्या वो विश्व विजय कपड़े का झंडा दिखाएगा? उसमें सत्यवीर जयते लिखा हुआ है, कपड़े का झंडा सत्य है जानते तो जानेंगे बताएंगे तो चले, बस हम जैसे चला वैसे चलते आप नाक पकड़ चला भैया। वो तो जो प्रजावर्ग की आत्माएं होंगी वो चलेंगी, जो राजा वर्ग की आत्माएं होंगी वो जिंदगी में चलती रहेंगी। छोटी नाक वाली है या बड़ी नाक वाली है भरत भाई? छोटी नाक वाली है। बाबा आगे जो मैंने सुना है ऐसा आपने बोला था कि वोटिंग हमको करनी है क्यों नहीं तो कोई भी कैसा भी आदमी हम खाली छोड़ देंगे तो कोई कहीं भी थप्पा मार देगा हमारे नाम के ऊपर, तो कोई भी आदमी आ सकता है तो उससे अच्छा है कोई अच्छे आदमी को वोटिंग करें। अच्छा तो मैं आपकी दृष्टि में नहीं पार्टी के साथ पुरुष जो है दुर्योधन शासन नहीं है,
नहीं लेडीज को भी खड़ी है ना इलेक्शन में, और लेडीज का राज्य आज चल रहा है कि लेडीज को बगल में दबा के रावण का राज्य चल रहा है। लेडीज का ठप्पा चलता है बस, वो अपने हाथ से ठप्पा लगा दे अपने नाम का, बाकी उसके बाद उनका कुछ नहीं चलता है, सारा चलता है दुर्योधन दुशासन का। हो गया मरंती शुरू कर दो जो पास्ट हो गया उसको याद करना जरूरी नहीं है, पास्ट इज पास्ट, वो है भक्ति मार्ग। अभी क्या करना है हाँ।